हैदराबाद के तरफ से असिस्टेंट कमिश्नर एंडोमेंट डिपार्टमेंट से 7 अप्रैल 7 के दिन डीसीपी साहब को एड्रेस करते हुए एक लेटर भेजा दिए हमारा एसीपी गोशामैल को और इंस्पेक्टर शायनागंज भी कापी स्मार्ट करें मेरा सनातन धर्मशाला और किशनदास मठ में इलीगल कंस्ट्रक्शन है कोर्ट का ऑर्डर्स है वो ऑर्डर्स के ऊपर हम डिसमेंटल करना अब पुलिस प्रोटेक्शन देना बोलकर लेटर दिए तो अपना हायर ऑफिशियल्स के इंस्ट्रक्शन के ऊपर कल के दिन बोले तो 23 अप्रैल के दिन हम लोग हमारे इंस्पेक्टर साहब और शायनागंज के पीएस के स्टाफ एसआई साहब स्टाफ एंडोमेंट डिपार्टमेंट के प्रोटेक्शन के लिए वो किशनदास मठ को सनातन धर्मशाला गए थे उधर जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को अपना एंडोमेंट डिपार्टमेंट वाले डीएचएमसी वाले डिसमेंटल कर दिया हम पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उधर कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ जैसा देखे उधर जो भी है वो शिवपाल सिंह है उसका फैमिली है वो का डिसमेंटल करने के लिए वो लोग बीच में आए तो वो लोगों को पुलिस स्टेशन को बुला के पुलिस स्टेशन में बिठा दिया उन लोगों को नाइगर वो डिसमेंटल नहीं करने के वो लोग बीच में आके बैठ रहा था उसके ऊपर वो लोग टेम्पल को गिरा दिया भूलक्ष्मी माता टेम्पल को और दूसरा टेम्पल गिरा दिया बोलकर वो लोग जो भी है सोशल मीडिया में वायरल कर रहा वो पूरा झूठ बात है उधर टेम्पल को कुछ भी टच नहीं करे जो भी इंडियल कंस्ट्रक्शन थे वो इंडियल कंस्ट्रक्शन रूम को वो लोग रूम नया रूम बना के वो रूम में रह रहा था वो रूम को एज पर कोर्ट ऑर्डर्स के लिए अपना एंडोमेंट डिपार्टमेंट वाले डिसमेंटल कर दिया 1956 में हमारा मुंतखब भी जारी हुआ इसके बारे में ये मठ है मंदिर नहीं होता मंदिर जो भी मूर्तियाँ रहता वो मंदिर मठ में रहता मठाधिपति पूजा पाठ के लिए रहता पब्लिक के लिए नहीं रहता और दूसरी चीज़ क्या है ये धर्म प्रचार होते रहता उसमें इन्होंने ये कमरा नया कमरा बना के कब्जा करने की कोशिश करा इसके बारे में उनको नोटिस भी इश्यू करे डीएचएमसी से इलीगल कंस्ट्रक्शन है बोलते वो नोटिस के ऊपर उन्होंने हाईकोर्ट को भी अप्रोच हुए इनको इसके सक्सेस नहीं पाया इसके बाद हम कोर्ट का ऑर्डर के हिसाब से भी और इलीगल कंस्ट्रक्शन को डेमोलिशन को रिक्वेस्ट करते हुए पुलिस डिपार्टमेंट को और डीएचएमसी को भी रिक्वेस्ट करके ऑन प्रोटेक्शन ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट एंड जीएचएमसी असिस्टेंस से हम उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिशन करें बाकी सिवा उधर मंदिर नहीं है कुछ भी नहीं है जो भी उन्होंने अभी व्हाट्सएप पे फैला रहा पूरा फॉल्स न्यूज है तो उसमें कितने फैम पे है और कब से है और मठ का आपका एंडोमेंट का कितना उधर प्रॉपर्टी है जिसके अंदर ये लोग कब से है ऐसा नहीं है साहब मठ बोले तो मठ चलाने के वास्ते कमरे थोड़े रहते ना कमरे वो किराए को दे के चलाते रहते जी वही सर हिसाब से वो 15 तक है सर 15 से 20 तक है 20 फैमिली सर हाँ अप्रॉक्सीमेट कब से वो तो हुआ 10-15 साल भी रह सकता वो अभी जैसा जैसा सिटी में प्रॉब्लम हो रहा है रेंटल जब वो छोटा छोटा कमरा बना के रह जाते वो मैनेजमेंट लोकल ट्रस्ट मठाधिपति करता मगर इसको मठाधिपति छेला नहीं है जब था 1956 में था मगर मठाधिपति नहीं है अभी तो फिलहाल मतलब वो लोग किसी को रेंट भी नहीं दे रहे मठ चला नहीं दे रहे नहीं दे रहे वो थोड़े लोगों दे रहे 7-8 लोग बाकी नहीं दे रहे ये लोगों बहुत ज़बरदस्ती मैं भी पर्सनली गया था उधर मेरे को तो फोन है वीडियो निकाले मेरे को डराने की कोशिश करे वो लोगों इतना करे फिर भी मैं क्या करा ऐसा नहीं है ये मंदिर क्यों जो भी वीडियो निकालना है निकाले मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता बोलते हुए मास्क निकाल के उनको बताया मैं 2 महीने के 2-2.5 महीने के पहले अब ये लोग को जो है अभी जो हम एडमिशन अभी हम उसको फिट पर्सन को भी इसको अपॉइंट करते हैं हम फिट पर्सन को अपॉइंट करके और क्यों बोले तो मठाधिपति राय जब एग्जीक्यूटिव ऑफिस को अपॉइंट नहीं कर सकते फिट पर्सन को अपॉइंट करके इसको मैनेजमेंट को हम लेके वो केसेस के वो एविक्शन केसेस डालने वाले हैं शॉर्ट तो पूरे पूरे फैमिलीज के हाँ नहीं तो किराए में भी दे रहा उसको नीचे बुला रहा जी किराएदार तो भी बनाएंगे उनको ना तो खाली करो खाली करो उनके लिए फाइनल नोटिस वगैरह कुछ देंगे सब आप अभी किराएदारों को देंगे फिट पर्सन का अपॉइंट करने के बाद करेंगे तो ये लोग अभी जो गड़बड़ करे नहीं तोड़ना और जो वायरल कर रहे हैं उनके ऊपर अपनी तरफ से आप कुछ केस नहीं करा वही वही लीगली आया टेक दिया लीगली से भी मालूम करने के बाद वो लोग उनके ऊपर केसेस फाइल करते हैं
सिंपल किराना का कुछ भी नहीं। लाखों हजारों की पसंद अनवर पान शॉप हुसैन यलम कोका बाजार का सबसे कदीम और सबसे पुराना पान शॉप। हर वैरायटी, हर क्वालिटी, हर फ्लेवर का पान हमारे यहाँ दस्तियाब है। हमें छोटे बड़े फंक्शन के लिए ऑर्डर भी दिया जा सकता है। मरहूम मोहम्मद गौस साहब के फर्जन प्रोप्राइटर अनवर पान शॉप मोहम्मद इब्राहिम साहब और मोहम्मद एजाज मुस्तफ़ा आप तमाम ग्राहक का वेलकम करते हैं। हमसे रब पैदा कीजिएगा 8074933985041120। हुसैन यलम कोका बाजार का सबसे कदीम सबसे पुराना पान शॉप अनवर पान शॉप।